हेलो हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैनल कंट्रोल के बारे में। तो व्हाट इज़ पैनल कंट्रोल और कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा पैनल कंट्रोल है, ये एक तरह का कंटेनर कंट्रोल जैसा काम करता है, ठीक है। तो पहले आप कोई भी डिज़ाइन या फॉर्म बनाने से पहले आप सबसे पहले क्या करो, पैनल कंट्रोल ले लो। और पैनल कंट्रोल के अंदर फिर आप जो भी डिज़ाइन बनाना, जो भी फॉर्म बनाना है, आप क्रिएट कर सकते हो। और पैनल कंट्रोल का काम क्या है, ये एज अ कंटेनर के तौर पर काम करता है। तो आप जब भी चाहे इसको विजिबिलिटी आपको हाइड या शो कर सकते हो, राइट। तो आप मल्टीपल एक फॉर्म के ऊपर मल्टीपल पैनल कंट्रोल आप ले सकते हो, और इसके हिसाब से आप अपना फॉर्म का जो डिज़ाइन है वो आप बना सकते हो, राइट। तो हमें क्या करना है, सी HTML में हमें DIV मिलता है। तो यहाँ पर हमें, अगर हमें कोई ग्रुप वाइज या फिर हमें कुछ ऐसा कोई कंटेनर जैसा बॉक्स चाहिए जहाँ पे हम अपने पर्टिकुलर फॉर्म को डिज़ाइन कर सके, ताकि हमारी जो डायनेमिक कोडिंग है उसके हिसाब से हम कर सकें, तो उसके लिए हमारा पैनल कंट्रोल सबसे आसान तरीका है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब पैनल कंट्रोल के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो की हेल्प से कैसे अपने गिटहब पे इस प्रोजेक्ट को कैसे अपलोड करेंगे, ठीक है। तभी टोटल 11 रिपोजिटरी आपको देखने को मिल जा रही है। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। यहाँ से हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो हम क्रिएट कर रहे हैं .NET में, ASP.NET। और यहाँ पे वेब पेज सेलेक्ट करेंगे, तो ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का एक नाम दे देते हैं, तो प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं पैनल कंट्रोल इस तरीके से। और यहाँ पे सब कुछ सही है, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। सिंपली हमें लेना है वेब पेज, यहाँ से लेना है, ये अनचेक कर देंगे। और इम्पटी वाला सेलेक्टेड है ऑलरेडी, तो इन कोई दिक्कत नहीं है, सीधा क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो ओके गाइज, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरा जो फॉर्म जो ये प्रोजेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ओपन हो गया। तो देखो, विजुअल स्टूडियो की हेल्प से डायरेक्टली अगर आपको गिटहब पे अपलोड करना है, तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले तो जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो या फिर आपने बना लिया है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर आओगे तो आपको क्या दिख रहा है, ऐड टू सोर्स कंट्रोल, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे तो गिटहब का ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये गिटहब का ऑप्शन आ रहा है। बट इससे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पे देखो मैंने लॉगिन कर रखा है, तो जो भी मेरा ईमेल आईडी है, तो आपको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो में यहाँ से आप साइन इन कर लो विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। यहाँ पे आप लॉगिन कर लो, तो यहाँ पर आपका जो भी नाम है ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। अभी जब आप विजुअल स्टूडियो में लॉगिन हो, देन आपको क्या करना है, ऐड इस पर क्लिक करना है, ऐड टू सोर्स कंट्रोल। और देन इसके बाद गिट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करो। जैसे आपको इस पर क्लिक करना है, इसके बाद आपसे पूछेगा कि भाई क्या प्रोजेक्ट का नाम है और क्या आपका गिटहब का क्या प्रोफाइल है। तो अगर आपने गिटहब का अकाउंट बना रखा है, तो यहाँ पे आपको आएगा लॉगिन करने के लिए, साइन इन करने के लिए। तो अगर आपने साइन इन नहीं किया तो साइन इन कर लो, तो आपको बस वहाँ पे गिटहब का यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना है, वो आ जाएगा। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको ये प्राइवेट बनाना है, कैसा बनाना है। तो मैंने कहा प्राइवेट नहीं बनाया भाई, मेरे को पब्लिक बनाना है। तो प्राइवेट बनाना है तो आप टिक करो, पब्लिक बनाना है तो आप अनटिक कर दो, राइट। अभी क्या करना है, ये जो आपका जो प्रोजेक्ट है इसका नाम क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मान लो क्या है, पैनल कंट्रोल इन ASP.NET, राइट, ये ASP.NET, ओके। यू रिपोजिटरी विल बी क्रिएटेड एट पैनल कंट्रोल डैश डैश डैश। हाँ तो ठीक तो है ना, क्रिएट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, तो मैंने टाइटल दे दिया, फिर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, लाइक क्या है, वर्किंग ऑफ पैनल कंट्रोल इन ASP.NET C#, ठीक है, ऐसा कुछ आप दे सकते हो। अभी ये मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, अभी इसको क्या करना है, मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है और पुश करना है किस पे, गिटहब पे। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, तो अभी ये जो प्रोजेक्ट जो भी मैंने बनाया है, ये प्रोजेक्ट अब देखो गिटहब पे उसकी रिपोजिटरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके थोड़ी देर के बाद जब आप इसको पेज को, गिटहब के पेज को रिफ्रेश करोगे, जब ये डन हो जाएगा, तब आपको वहाँ पर टोटल, अभी देखो टोटल 11 दिख रहे हैं, तो ये यहाँ पर एक गिनती बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके गिटहब की, कि कैसे उस पर आपको ऐड करना है, ठीक है। वापस चलते हैं अपने यहाँ पर आ जाते हैं नोट्स पे, तो हम देखते हैं कि पैनल कंट्रोल हमारा क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर देखो कुछ नोट्स है कि लाइक दिस कंट्रोल वर्क एज अ कंटेनर फॉर ऑल कंट्रोल्स ऑन द वेब पेज, ठीक है, एंड इट कंट्रोल द अपियरेंस एंड विजिबिलिटी ऑफ द कंट्रोल, ठीक है। तो पैनल कंट्रोल के अंदर जो भी आप रख दोगे, तो अगर आपने इसकी विजिबिलिटी, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि विजिबिलिटी आपने पैनल का हाइड कर दिया, तो पैनल के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी सब हाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपीयरेंस और विजिबिलिटी को आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। फिर इसके साथ क्या है कि वी कैन यूज दिस कंट्रोल टू डिस्प्ले या हाइड द ग्रुप ऑफ कंट्रोल एज पर द कंडीशन, वेरी गुड। टू वर्क विद दिस कंट्रोल ऐड या न्यू, इस पे काम करने के लिए सिंपली आपको एक वेब पेज ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट ऐड करना पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई एक पेज ऐड करना पड़ेगा अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। देन वहाँ पर आपको क्या, ये कुछ कोड है एग्जाम्पल के पर्पज से मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। तो सपोज करो हम डायरेक्टली क्या कर, समय को बचाते हैं, तो सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो सपोज करो ये मैंने एक कॉपी कर लिया, वापस आते हैं यहाँ पे। तो अभी मेरे पास देखो यहाँ पे कोई पेज नहीं है, राइट, तो कोई पेज मैंने बनाया नहीं है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक नाम है सपोज पैनल डेमो का, तो ये नाम हम ले लेते हैं, ठीक है। तो राइट क्लिक करो, एक पेज पे ऐड करो यहाँ पे, तो सिंपली ऐड पर आओगे, ऐड के बाद क्या है यहाँ पे, वेब पेज, ओके।
इस वेब पेज का एक नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये नेम जो है ना, ये यूज़र डिफाइंड नेम है। यूज़र डिफाइंड का मतलब यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहते हो, जैसा भी आप नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो, ठीक है। हमेशा मैं कहता हूँ इस बार भी फिर से, कि ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ पैनल इसमें जो भी मैं लिख रहा हूँ वही टाइप करना है, आप इसमें अपने हिसाब से जो भी नाम देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। फाइन, ओके पे क्लिक करो, पेज आपका ऐड हो जाएगा। अभी जब ये पेज ऐड हो जाएगा तो इस पेज पर हम सबसे पहले हमारा क्या है कि एक हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हेडिंग का आपको पता ही है, हेडिंग टोटल HTML में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये मैंने एक हेडिंग बना लिया, राइट, इसको पेस्ट कर दिया। अब हेडिंग पर आ गया, आप सपोज करो कि मैं एक लाइफ इंश्योरेंस का अगर कुछ बना रहा हूँ तो हेडिंग यहाँ पर आ गया। अब हेडिंग में देखो मैंने क्या किया, H1 यहाँ से ओपन हो रहा है, H1 यहाँ पे क्लोज हो रहा है, राइट। अब ये ओपन क्लोज तो हो रहा है, साथ ही साथ इसमें देखो क्या है, इसमें मैंने CSS लगा रखा है। ये देखो इनलाइन CSS लगा दिया इसमें, बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, स्टाइल, टेक्स्ट अलाइनमेंट, सारी चीज़ें मेंशन कर दी। ओके, अब क्या करो इसको है ना, आप इसे यहाँ पे आउटपुट भी देखते रहो, इसको आप जब ब्राउज़र में ओपन करोगे तब आपको इसका आउटपुट भी दिखेगा। और जब तक आउटपुट आ रहा है तब तक क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो एक मैंने DIV लिया, इस DIV, ओके आउटपुट आ गया, फाइन। यहाँ पर देखो सिंपली क्या, एक DIV है, राइट, ये DIV ओपन है और यहाँ पर DIV क्लोज है। इस DIV के अंदर क्या है, मेरे पास दो बटन है। इस एक बटन में क्या है, एजेंट, सपोज एजेंट लॉग इन, दूसरे में क्या, कस्टमर लॉग इन। दो बटन है अपने पास, यहाँ पे लॉग इन लिखा हुआ, क्या लिखा, लॉग इन एज, ये दो बटन अपने पास है। तो सिंपली क्या करेंगे, ये DIV कॉपी कर लेते हैं। देखो DIV की क्या कंट्रोल, और यहाँ पर आ जा भाई, ओके। इसके जस्ट बाद क्या करेंगे, इस DIV को मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये देखो DIV यहाँ से ओपन हो रहा है, DIV यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अभी आप देखो ये DIV यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, पर क्लोज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो ये देखो इसका प्रॉपर अलाइनमेंट ठीक नहीं लग रहा अपने को। तो क्या करेंगे, अलाइनमेंट ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखो सपोज बचा दो ये DIV ना, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+KD आपको यहाँ पे ऐड करना है, प्रॉपर कोड जो होगा वो अलाइन हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे लॉग इन एज, ये आप उसमें लिख के आएगा, और उसके बाद मेरे पास दो बटन है, इसका अलाइनमेंट कहाँ चला गया, इसको सेलेक्ट करो Ctrl+KD। अच्छा ठीक है, अलाइनमेंट में ही है। अब देन क्या करना है, इसको यहाँ पे देखो दो बटन है, एक बटन है आपका एजेंट के लिए, दूसरा बटन है क्या, कस्टमर के लिए। तो मैं चाहता हूँ जब भी एजेंट पे क्लिक करें तो एजेंट वाला जो लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाए, और जब भी इस पे क्लिक करें तो कस्टमर कस्टमर का जो भी लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाए। सिंपल, दो बटन अपने पास। तो अभी क्या करेंगे, वापस इस पेज पर आएंगे, तो इधर टाइटल हो गया, अभी इसको रिफ्रेश करो। ये देखो ये बन गया आपका टाइटल। अभी यहाँ पे क्या, लॉग इन एज, अब मैं चाहता हूँ एजेंट पे क्लिक करूँ तो एजेंट वाला यहाँ पे लॉग इन पेज आ जाए, कस्टमर पे क्लिक करूँ तो कस्टमर वाला आ जाए, राइट। अब इससे पहले एक बार रिपोजिटरी चेक करते हैं कि टप्पे की क्या ऐड हुआ कि नहीं, इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो सिंपली रिफ्रेश करो भाई, इसको 12 हो जाना चाहिए, देखो यहाँ पे 12 हो गया। ओके, यहाँ पे देखो अब क्या, पैनल कंट्रोल, और जो भी मैंने टाइटल दिया था और जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था वो सब कुछ आ गया। अब जैसे जैसे इसमें पेज में ऐड करूँगा, फिर वैसे वैसे हम क्या करेंगे, इसमें पुल और पुश जो भी ऑप्शन होते हैं गिटहब में हम वो यूज़ करेंगे, राइट। तो अभी देखो ये चीज़ हो गई, अभी तो इतना समझ में आ गया डिज़ाइन से कैसा कैसा दिख रहा है, हमें ऐसा दिख रहा है, ये बड़ा टाइटल वेबसाइट का, दो बटन। अभी क्या, एजेंट पे क्लिक करें तो एजेंट का क्या आना चाहिए, एजेंट का लॉगिन पेज आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एजेंट के लिए हमने क्या किया, हमने एक लॉगिन पेज, एक पैनल लिया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, पैनल की हेल्प से क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे कुछ कंट्रोल, एक फॉर्म का ग्रुप बना लेंगे, मतलब एजेंट से रिलेटेड फॉर्म का ग्रुप बना लिया उसका पैनल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, अपना पैनल है एक, इसका नाम क्या है, पैनल एजेंट। तो क्या करेंगे अभी के लिए, हम सिंपली ना यहाँ पर आते हैं, एक हम पैनल कंट्रोल लेके, टूल बॉक्स में आओगे तो स्टैंडर्ड कंट्रोल में मिल जाएगा आपको पैनल कंट्रोल, ये रहा यहाँ पे। तो सिंपल पैनल कंट्रोल ले लेते हैं और इसका नाम क्या कर देते हैं, एजेंट पैनल, सेव कर लिया इसको। ये देखो एक पैनल कंट्रोल हमारा ये हो गया। अभी दूसरा पैनल कंट्रोल क्या होगा, वो अपना होगा ये एजेंट के लिए हो गया, और एक पैनल कंट्रोल अपना होगा कस्टमर के लिए, यहाँ पे देखो कस्टमर, ओके। तो ये भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। तो दूसरा यहाँ पे पैनल ऐड करेंगे, पैनल, और ये जो पैनल होगा इसका नाम क्या है, कस्टमर। तो अभी अपने पास दो पैनल कंट्रोल हैं देखने को, ये देखो ठीक, दो पैनल कंट्रोल। अभी इसके अंदर क्या करेंगे, अभी अपने को करना है पैन, जो हमारा एजेंट का है इसमें एजेंट का जो भी यूजर नेम पासवर्ड होगा वो हम इंसर्ट करेंगे। तो पहले आते हैं पैन, यहाँ पर देखो ये हमारा पैनल है एजेंट के लिए, और ये पैनल यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, टेबल बना रखा है, यहाँ पे देखो ये टेबल हम कॉपी कर लेते हैं सिंपली, और इस टेबल में क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इस टेबल में है क्या, देखो ये अपना टेबल है, Ctrl+KD करो, ठीक है सही हो गया। अब ये क्या, एजेंट लॉगिन, इसमें क्या, एजेंट ID, एजेंट पासवर्ड, दो बटन है, ठीक है, लॉगिन और रीसेट का, सिंपल ये हो गया। अब ये हमारा एक टेबल है, इसमें कब फिनिश हो गया इसका डिज़ाइनिंग, वापस चलेंगे। अब दूसरे वाले का भी देख लेते हैं, दूसरे वाले में भी क्या है, ये आपका टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये टेबल यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसको कॉपी कर लो, वापस आ जाओ अपने ब्राउज़र में, इस पेज को रिफ्रेश करो। जैसे इस पेज को आप रिफ्रेश करेंगे ना, तो आपको एक डिज़ाइन दिख रहा है, ये जो डिज़ाइन है किसका है, ये तो एजेंट का लॉगिन है।
अभी मैं दूसरा बना रहा हूँ, दूसरा पैनल के अंदर। तो सेकंड पैनल के अंदर आप आ जाओ और यहाँ पे जो आपने टेबल बनाया था वो यहाँ पे पेस्ट कर दो। वहाँ से जो कॉपी किया ना था टेबल डिज़ाइन लॉगिन फॉर्म का, तो वो यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब ये कस्टमर से रिलेटेड, तो कस्टमर आईडी, कस्टमर पासवर्ड, देन दो बटन लॉगिन एंड रीसेट का। फिर से वापस अपना ये पेज रिफ्रेश करो परफेक्टली। तो देखो दो, अभी तो दोनों दिख रहे हैं, अभी दोनों लॉगिन का कोई मतलब नहीं है दिखाने का। तो मैं चाहता हूँ जब भी मैं क्लिक करूँ तब उस टाइम पे ये हमें शो हो। ओके, तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या, जब ये पेज लोड हो तो आप क्या करो, दोनों पैनल की विजिबिलिटी को ऑफ कर दो। राइट, ये सबसे अच्छा तरीका है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल मैंने क्या किया, ये कोड मैंने लिख रखा है। इस कोड में क्या है कि आपको सबसे पहले एक तो दिखना चाहिए ना, एक तो दिखेगा। राइट, आप चाहो तो मतलब कोई भी ना दिखे बिना बटन पे क्लिक किए, पर यहाँ पे ये जो कोड है, कोड में क्या है, जब आपका पेज फर्स्ट टाइम लोड हो तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पैनल जो है ना आपका एजेंट का पैनल की विजिबिलिटी को क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। ओके, तो इस यहाँ पे क्या होगा, आपका सिर्फ सबसे पहले कस्टमर का दिखेगा, एजेंट का नहीं दिखेगा। इसको रिफ्रेश नहीं हो रहा, इसको क्लोज करो। देखो अब क्या करना है, सीधा विजुअल स्टूडियो में आओ, अभी जो कोड वगैरह लिखा ना इसको सेव कर लो पहले, इसको सेव करो और इसको सेव करो, राइट क्लिक करो, देन फिर ब्राउज़र पे चलो। ओके, तो फर्स्ट टाइम पे आपको क्या दिखेगा, सिर्फ कस्टमर का लॉगिन आपको दिखेगा। अरे कोई नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा भाई, कस्टमर क्यों नहीं दिख रहा। ओके, अभी मैंने क्या किया, जस्ट अ मिनट, हमारे पास कितने पैनल हैं, हमारे पास हैं पैनल नंबर 1। यहाँ पे कोड ने क्या लिखा, मैंने लिखा है इसमें कि इस कोड को ध्यान से देखना, इसमें क्या है, इसमें है एजेंट पैनल विजिबिलिटी इक्वल टू कस्टमर पैनल विजिबिलिटी, यानी कि दोनों की विजिबिलिटी को हमने ऑफ कर दिया। इस चीज़ को थोड़ा सा और आसान बना देते हैं, इसको यहाँ से कट करो और यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे लिखो फॉल्स, यहाँ पे लिखो फॉल्स, ये देखो। ठीक है, अब ये चीज़ें समझ में आएगी। बट अगर हम ये कर रहे हैं मल्टीपल है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, मतलब कर्ली ब्रैकेट। इफ़ अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो बिना कर्ली ब्रैकेट का आपका काम हो जाएगा, पर अगर आपको इफ़ के अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना है तो उसके लिए आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। तो बेसिकली इस लाइन का मतलब ये था। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को शॉर्ट करें। देखो ये हमें क्या, मैंने कहा पैनल और कस्टमर दोनों ही पैनल हमें दिखने नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये कोड किया। अब इसको अगर हमें एक सिंगल लाइन में लिखना है, क्योंकि दोनों सिमिलर टाइप के कंट्रोल है ना, ये भी पैनल कंट्रोल है और कस्टमर वाला भी, ये भी पैनल कंट्रोल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमने क्या लिखा, हमने सिंपल ऐसे किया कि पैनल एजेंट डॉट विजिबल की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू किसके बराबर होगी, वो वैल्यू बराबर होगी पैनल कस्टमर डॉट विजिबल के इक्वल टू फॉल्स। ये आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। तो एक ही लाइन में आपने क्या कर दिया कि इसको भी और इसको भी, देखो एजेंट की विजिबिलिटी वही होगी जो जो कस्टमर की होगी, कस्टमर की विजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे फॉल्स है। तो बस राइट हैंड साइड की वैल्यू हमने कस्टमर पैनल में रख दिया और राइट हैंड साइड की वैल्यू हमने एजेंट पैनल में स्टोर कर दिया, सिंपल। तो जब पेज लोड होगा तो कोई भी पैनल हमें दिखाई नहीं देगा, और यही रीज़न है कि पेज के रीलोड पे हमें कोई भी पैनल शो नहीं हो रहा है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें एक एक बटन पे, जैसे कि हमारा क्या एजेंट बटन, एजेंट पे जब क्लिक करो तो आपका क्या हो, एजेंट का ट्रू हो जाए विजिबिलिटी और बाकी जो आपका अदर पैनल है उसकी विजिबिलिटी फॉल्स हो जाए। तो सिंपली वापस आ जाओ डिज़ाइन व्यू, ओके डिज़ाइन व्यू, डिज़ाइन एजेंट है, एजेंट पे डबल क्लिक करो, एजेंट आ गया, और यहाँ पे ये पेस्ट कर दो अपना कोड कि एजेंट के क्लिक पे एजेंट का शो हो। ठीक है, तो अपने पास कौन सा बटन है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, तो ये है अपने पास बटन एजेंट बटन, टेक्स्ट इसका एजेंट है। वहाँ पे क्या ऑन क्लिक पे क्या है, एजेंट बटन अंडरस्कोर क्लिक, देखो। तो यहाँ पे इसका सेमी कॉलम देखो नहीं है, तो ये सेमी कॉलम लगा दो, अभी सही हो गया। ठीक है, अभी सेमी कॉलम के बाद परफेक्ट हो गया। तो वापस क्या करेंगे, इस पेज को रिफ्रेश करो और एक बार रन करो इसको फिर से। ओके, तो इनिशियली कुछ नहीं दिख रहा, और जैसे आप एजेंट पे क्लिक करोगे तो एजेंट का आपको शो हो गया, फिर जैसे कस्टमर पे क्लिक करोगे तो कस्टमर का शो हो जाना चाहिए और एजेंट का हाइड हो जाना चाहिए। तो सिंपल, फिर से वही सेम कोड। ठीक है, अब की बार क्या करना है, उसी को चेंज कर देना है। इस बार हम क्या करेंगे, एजेंट को फॉल्स करेंगे और कस्टमर को विजिबल करेंगे। तो वापस आएंगे, हमारा जो सेकंड बटन है दिस, ये वाला बटन। तो एक तरीका क्या है, अगर आप विजुअल स्टूडियो लेटेस्ट वाला यूज़ कर रहे हो तो इसमें क्या होता है कि सिंपली आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ऑन क्लिक। जैसे आप ऑन क्लिक लिखोगे तो आपको सजेशन आ जाता है, बस सिंपली आप यहीं से, आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप ये जो आपका सोर्स व्यू है ना, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बटन का क्लिक इवेंट जनरेट कर सकते हो। और जो भी आपका ये भी पैनल है ना, तो अभी एजेंट को फॉल्स करेंगे, इसको व्यू करेंगे, राइट।
तो क्या रहेगा, कुछ भी मॉडिफिकेशन आप करते रहो वो चलता रहेगा। अभी देखो एजेंट पे क्लिक किया, एजेंट विंडो आ गई, पर मैंने कस्टमर को लॉगिन करना है तो कस्टमर विंडो आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप अपना विंडो क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, दो अलग अलग यूज़र के लिए दो अलग अलग फॉर्म है, एक तो है एजेंट लॉगिन, दूसरा है कस्टमर लॉगिन, और दोनों के लिए मैंने दो डिफरेंट टाइप के मैंने दो डिफरेंट वो पैनल कंट्रोल मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने एक पैनल बना दिया लॉगिन के लिए सेपरेट, कस्टमर के लिए सेपरेट, और हर पैनल में मैंने एक लॉगिन फॉर्म प्रिपेयर कर दिया। तो ये क्या करें, इससे विजिबिलिटी और ग्रुप ऑफ कंट्रोल को आप जब चाहो दिखा सकते हो, आप हाइड कर सकते हो। तो ये तरीका हो गया आपके पैनल कंट्रोल को कैसे आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये तो बन तो गया, अब इसमें कितने फॉर्म आए होंगे ये हम चेक कर लेते हैं। इसको एक बार इसको क्लिक करो, ये ओपन होगा। अभी पैनल कंट्रोल ये अपना है, इसको ओपन करो। इसके अंदर देखो, इसके अंदर ना मैंने पेज नहीं ऐड किए थे, तो इसमें पेज नहीं आया है। कौन सा पेज, ये जो पेज मैंने ऐड किया ना, ये वाला पेज जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये पेज नहीं आया है। तो ये पेज आएगा कैसे, तो फिर क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे क्लिक करो, सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो। अभी क्या करते हैं, पुश कर देते हैं जो भी हमारा, या फिर श्रिंक कर लो, एक बार श्रिंक एंड पुश कर दो। क्या है, श्रिंक एंड पुल है ना समथिंग, तो एक बार श्रिंक कर लेते हैं कि जो भी लेटेस्ट फाइलें हैं, एक बार उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, देन फिर इसी को हम इस पर अपलोड करते हैं। तो वापस आते हैं, क्या इस पर एक बार चेक करते हैं इसको कि ये हमारा इसमें लोड हुआ या नहीं हुआ। वापस इसमें आ गए, इसको फिर से मैंने ओपन किया, और इस बार कोई फाइल आई, वो फाइल अभी भी नहीं आई। ओके, तो इसका मतलब ये अपलोड भी डन नहीं हुआ इसका। चेक करते हैं इसमें, नहीं, हमारे पेज का नाम क्या है, पेज का नाम है पैनल डेमो करके .exe। तो पैनल डेमो करके यहाँ पे कोई भी नहीं है। ओके फाइन, तो एक काम और काम करते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया, अभी यहाँ पे क्लिक करो। अभी ये क्या है, पुश। ठीक है, सिंपली पुश पे क्लिक करो। देखो पुश पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, आपका अपलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो शो करेगा ये। ठीक है, गिट चेंज पे आ जाते हैं ना, गिट चेंज, ये श्रिंक कर लेते हैं इसको। मैसेज आ गया, सक्सेसफुली श्रिंक इनकमिंग आउटगोइंग कमिटमेंट। अच्छा, वापस अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। यहाँ पे क्या था, आप देख पा रहे हो कि जो भी आपने नया बनाया था ना फाइल पैनल डेमो, तो ये भी यहाँ पर ऐड हो गया है। तो ऐसे जैसे जब जब हम इसमें अपडेट करते रहेंगे ना, तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पर जब आप गिटहब ऐड कर लोगे तो आपको ये दिख जाएगा। तो गिटहब, अब यहाँ पर आ जाओ, अगर आपको कुछ मैसेज देना है, मैसेज देने के बाद आपको यहाँ पर कमिट कर देना है, या फिर ये पुश पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका जो भी अपडेट होगा वो गिटहब पे चढ़ जाएगा। राइट, तो यहाँ के थ्रू ना आप अपने डायरेक्टली जो भी आप बना रहे हो उसको गिटहब पे अपलोड कर सकते हो। ओके, और जब आप इसको अपलोड करोगे तो आपको डिपेंड, आपको देखना है कि ये मतलब कि आपको इसे प्राइवेट रखना है या फिर पब्लिक रखना है, तो अपने हिसाब से आप सब डिसाइड कर सकते हो। राइट, और इससे प्रीवियस जो वीडियो था ना, जो भी मैंने बनाया था कल परसों, तो जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक वो आ चुका होगा, तो ये मैंने ये बनाया था नेविगेशन वाला। तो यहाँ से जाके आप इसका कोड अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें सारे के सारे HTML CSS सारी फाइलें इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।